वो क्या ऐसे कुछ टूल्स है जो एक एक्सपीरियंस सीनियर वेब डेवलपर, इंजीनियर और एक इंसान यूज करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स मुझे बहुत पसंद है। टूल्स में एप्स हो सकते हैं, प्लगइन्स हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है, क्या क्या पसंद है एक एक करके देखते हैं और बहुत तेजी से देखेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो। सबसे पहला टूल, मेरा सबसे फेवरेट टूल है यार, विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बिना क्या करेंगे, दिन भर उसे ही देखना है तो उसे देखते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। बहुत प्यारा टूल है, इसके बिना हमारा काम न चले। दूसरा टूल क्या है, क्रोम डेवलपर टूल्स, क्योंकि भैया वहीं पर बैठे रहते हैं, या तो डिबग करते हैं या कोड करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच हमारी जिंदगी पूरी की पूरी निकल रही है, तो दोनों हमें बहुत पसंद है। तीसरा टूल क्या है, गिट और गिटहब, क्योंकि जो इंसान कोड करेगा या डिबग करेगा वो बातें कहां करेगा, गिट से करेगा या गिटहब से करेगा। और ये तीसरा टूल भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे गिट और गिटहब की यूआई बहुत अच्छी लगती है, बस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा बायस वहां भी है। चौथा टूल है पोस्टमैन। नहीं, मैं जो पोस्टमैन है उसको टूल नहीं बोल रहा हूँ, एक टूल है पोस्टमैन जिससे एपीआई की टेस्टिंग होती है। अगेन ढेर सारा समय यहां भी व्यतीत होता है तो ये टूल भी अच्छा लगता है और यूजफुल भी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। पांचवा टूल है फिग्मा। एक फ्रंट एंड डेवलपर फिग्मा के बिना का बनाएगा, कैसे बनाएगा पता नहीं कुछ, तो फिग्मा भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टूल है और इतनी बार देखना पड़ता है कि वो टूल भी अच्छा ही लगने लगा है। हर बार आपको यही लग रहा होगा कि भैया जो बोल रहे हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट ऐसा है नहीं, सच में ये सब टूल्स मुझे पसंद है, इनमें काफी सारा समय व्यतीत होता है हमारा। कैनवा की जरूरत कम पड़ती है, पर अगर आप थोड़े मोड़े हमारे टाइप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको पड़ जाती है कभी कभी कुछ कुछ लिख के डालने के लिए अपने फोटुआ के ऊपर, तो ये टूल भी हमें बहुत पसंद है क्योंकि बड़े आसानी से काम हो जाता है। हमने इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है ताकि वो जो इमेजेस हैं वो बोले नहीं कि भैया ये तो पेड है, इसके लिए $1 अलग से दो, बहुत चिंदी जैसा पैसा मांगते हैं, तो जो पेड है वो लेके रखा है और काफी काम हमारा कैनवा से भी होता है। हम लोग यार अजर प्रोजेक्ट्स यूज किया करते थे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, बट वो प्रोजेक्ट वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए असाना बोल देते हैं। असाना या ट्रेलो जैसा कोई प्रोडक्ट होता है, अभी तो नोशन यूज कर लेते हैं काफी ज्यादा, या गिटहब प्रोजेक्ट यूज कर लेते हैं, बट समथिंग जिसमें आप सारे टास्क लिख लो और उनको जो है प्रायोरिटी दे दो और उनको जो है टाइमलाइन दे दो, अलाइन कर लो, उसको बना लो सही से, तो माथा ऐसा शांत होता है ना भाई, बहुत प्यारा टूल लगता है ये सब। लेकिन कभी इस पे एक विशेष वीडियो करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है और कैसे उनको इन टूल्स पे लगाया जाता है और कैसे इनको असाइन किया जाता है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो कैसे कैसे बाहर उमड़ रहा है इस टूल के लिए, तो आज वो दिन नहीं, लेकिन तुम्हें चाहिए होगा कोई भी टूल पे एक डीप वीडियो, तो प्लीज कमेंट में बता दे जाना, मुझे बड़ा मजा आएगा वो करने में। आठवां टूल है टीम्स, बट टीम्स अब यूज नहीं करते, पिछले 2 सालों से स्लैक यूज करते हैं, पर कोई तो एक तरीका चाहिए जिससे किसी डेवलपर को बोले कि ए बाबू क्या कर रहे हो, फ्री बैठे हो क्या, इधर आओ, तुम्हारा पीआर रिव्यू करते हैं, या ये वाला समझ में नहीं आ रहा इधर आओ, तो इसको कहते हैं क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग कोलैबोरेशन टूल बोलते हैं, बट सच में बताएं तो कोलैबोरेशन इससे कम होता है, ज्यादा डिसरप्शन होता है कोलैबोरेशन का, डीप थिंकिंग का। लेकिन हाँ, बहुत जरूरत हो जाती है, कोड शेयर करना हो, कोई लिंक शेयर करना हो, कोई फाइल शेयर करनी हो, तो इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। ईमेल तो बहुत ही फॉर्मल टूल रह गया आज के जमाने में, अधिकतर चीजें तो आपकी स्लैक या टीम्स पे ही होती है, तो ये भी सीख लेने में बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर टीम के साथ काम करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। नौवा टूल है, फिर से वही है, हम लोग अजर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज किया करते थे माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन आपके लिए कह देते हैं जीरा। जीरा से भी बहुत शांति होती है क्योंकि कोई आपको टास्क असाइन कर देता है, बग असाइन कर देता है, उसमें सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं। गिटहब प्रोजेक्ट्स में इश्यूज के थ्रू भी ये कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होता है कि आपको क्या करना है आज या क्या करना है इस सप्ताह, ये बहुत क्लियर होता है। तो ये पीसेस जो होते हैं ना, एक बार प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, टास्क बनाना, उसके बाद टास्क में डिटेल भरना, स्प्रिंट बनाना, हर दिन क्या करना है, इस वीक क्या करना है, 2 वीक्स में क्या करना है, ये क्लैरिटी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। जब सुबह आते हो और खोलते हो, ये वाला टिकट असाइन हुआ है, ठीक है कर लेंगे, तो एक कम्युनिकेशन, एक कोलैबोरेशन बड़े अच्छे ढंग से चल पाता है इन टूल्स के कारण। यार तुम कौन कौन से टूल यूज करते हो कमेंट में बता देना ना, बहुत मजा आएगा, शायद मुझे भी कोई नया टूल के बारे में पता चल जाए और मैं उसको अपने लिस्ट में इस्तेमाल करूं और थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाऊं, तो प्लीज बता देना, भैया का इतना सा काम कर देना। 10वां टूल मेरा बहुत फेवरेट है, प्रिय है, इतना कि मैं अपने पर्सनल पैसे देता हूं इसको, इसका नाम है पॉकेट।
पॉकेट एक ऐसा टूल है जिसमें आप कुछ भी कहीं आपके सामने कोई ब्लॉग वॉग कुछ आ गया तो आप उसको पॉकेट करके रख सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो। तो मेरी आदत रही है बहुत दिनों से कि मैं डाल देता हूं और जब मैं खाली बैठा रहता हूं अपने पोर्सेलेन थ्रोन पे बैठा रहता हूं तो वो पॉकेट में जाके कुछ 2-3 मिनट का पढ़ लेते हैं। और कभी ऐसे खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, बोर हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में तो कभी चले गए चाय पीने, अब बातें नहीं हो रही हैं, तो चलो खोल लिया पॉकेट, एक दो टेक्निकल आर्टिकल, टेक्निकल ब्लॉग कुछ पढ़ लिया, उसी बहाने कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। तो पॉकेट बड़ा अच्छा है, उसमें एक फायदा ये हो जाता है अगर आप पेड रखते हो तो, भाई ये पेड प्रमोशन नहीं है, बता दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप हाईलाइट कर सकते हो, अपने हाईलाइट्स में सर्च कर सकते हो, तो मेरा एक सेकेंड ब्रेन टूल जैसा हो जाता है क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ याद रहता है और पॉकेट हेल्प्स मी रिमेंबर दैट इवन बेटर, तो अच्छा लगता है मुझे वो टूल भी। 11, ये टूल भी मुझे बहुत प्रिय है और अगेन एक ऐसा टूल जिसके लिए मैं पॉकेट से पैसे देता हूँ, अपने पॉकेट से, जो बाकी सब तो कंपनी दे रही है उसका भी पैसा लगता ही है, और ये है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पे एड्स, ऐसा लगता है ना जैसे अब पैसे कमाने के बाद मतलब लगता है कि क्या फायदा पैसे कमा के अगर मुझे एड सुनने पड़ रहे हैं तो, क्यों? क्योंकि यार मेरे को ना कई सालों की आदत है, अब तो 15-16 साल की आदत है कि हेडफोन लगाओ गाने बजाओ, बैकग्राउंड में गाने बजते थे, बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह अपना करते रहता है सुनो ना संग मरमर और मेरा कोड बहता रहता है, और पहले तो वो करते थे सड्डा हक, तो एक साल तो रॉकस्टार, बस रॉकस्टार ही बजा है कान में, क्योंकि हम लोग यार इंडियन लोग हमें तो पता ही था मेटल वेटल क्या होता है, पहली बार सुना बहुत अच्छा लगता था, बट प्रैक्टिस ऐसी बन गई है कि हेडफोन लगाइए या ईयरफोन लगाइए, इसके बिना मेरी कोडिंग नहीं होती। कभी तो ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर मैं ईयरफोन या हेडफोन भूल जाऊं, मैं डंजो करवा लेता था, ये हालत थी मेरी कि बिना म्यूजिक के, जैसे कहते हैं कि टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, वैसे ही संगीत से ही मेरा कोड निकलता है, तो बिना संगीत के मेरा कोड नहीं होता, इसलिए Spotify इज दैट वन टूल जिसके लिए, जिसके बिना मेरा काम नहीं होगा। 12, एक टूल है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्योंकि मैं उसको यूज करता हूं हमेशा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये टूल क्या करता है पता है? ये ना मार्कडाउन को PPT में बदल देता है। और भैया मैंने इतने टॉक्स दिए हैं, इतने सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं, कंपनी के अंदर भी प्रेजेंटेशन दिया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो Remark.js जो टूल है, ओहो ब्यूटीफुल चुम्मा एकदम भाई, इतना आसान होता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम CSS कर सकते हो उसके अंदर, तुम बस ऐसे लिख दो कोड की तरह पीपीटी लिखते जाओ, 3 hyphen पे पीपीटी बदल जाता है, प्रेजेंटेशन बदल जाता है, एनिमेशन डाल सकते हो, मतलब जब तुम प्रेजेंटेशन को सोचने और बनाने में बस लिखने भर का अंतर रहता है ना, प्रोग्रामर्स डेवलपर्स के लिए खासकर जो अगर यहां वहां प्रेजेंटेशन देना है कहीं इंटरनल टीम में भी, बहुत मस्त है, पूरा का पूरा वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मैंने कितने प्रेजेंटेशन ऐसे होस्ट करके रख दिए हैं अपने, जिंदगी भर रहेंगे ऑनलाइन, क्या है भाई Netlify पर डाल दो कोड, GitHub से कनेक्ट करके बात खत्म। बट एज अ डेवलपर, एज एन इंजीनियर और एज अ स्मार्ट पर्सन आई फील वो बहुत प्यारी टूल है। 13 है मेरा फेवरेट टूल और आपका भी होगा, और ये है Zomato। देखो भैया हम ना स्विगी यूज नहीं करते और हम कोई भी नहीं यूज करते, हमें इतना ₹50 का कूपन से फर्क ना पड़ता, हमें एक ही चीज चाहिए खाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, और मुझे करना होता है कोड 10-10 घंटे 20-20 घंटे, या मुझे कुछ भी काम करना होता है ना, मैं बहुत लंबा काम कर लेता हूँ एक बार में, और उसके लिए मुझे चाहिए होता है खाना, और एक है ये Zomato जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से भी बर्गर मेरे पास पहुंचा देता है, और मेरे दो ही चीजें है, बर्गर खाएंगे या चाइनीज खाएंगे, इंडियन खाना कोई ऑर्डर करके क्यों मांगा था मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल, बट बहुत अच्छा टूल है, तुरंत से मेरे पास खाना आ जाता है, मेरा पेट भर जाता है, मैं वापस अपने काम पे लग जाता हूँ, कॉफी भी आ जाती है कभी कभी इससे चाहिए तो, मुझे बाहर की कॉफी बहुत महंगी लगती है, खुद से बना सकते हैं 2 मिनट में उठ के बना लेते हैं, पर ये टूल बहुत प्यारा है, अगर आप इंजीनियर हो तो आप बगर को कोड में कैसे चेंज करें इसके लिए ये टूल यूज कर सकते हैं। 14 टूल है, अगेन बहुत अच्छा टूल है, अगर आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है तो, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो शायद आपके लिए ये टूल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये है कैलेंडली। क्या कब मिले, आप कब फ्री हो, मैं कब फ्री हूं, ये वो, तो भैया कैलेंडली ये सारे परेशानियां दूर कर देता है, आप अपना फ्री टाइम डाल दो कि इस दिन इस वजह से इस टाइम में फ्री रहूंगा और अपने कैलेंडर्स को उससे इंटीग्रेट कर दो। ये भी एक टूल है जिसके लिए मैं लिटरली पैसे देता हूं महीने के, पर इससे मेरा ओम शांति बहुत रहता है क्योंकि लोग अपने हिसाब से मेरे कैलेंडर पे अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं, तो ये टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता। अगेन नहीं एक्स्ट्रोवर्ट हो तो शायद आपको इसकी जरूरत ना पड़े। 15th टूल मेरा बहुत ही फेवरेट, नोशन। आज के जमाने में नोशन मेरा सब काम करता है, वही मेरा डेटा रखता है, वही मेरा टूडू मैनेज करता है, वही मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू मेरे टास्क मैनेज करता है, सब कुछ। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वही है, मेरा नॉलेज टूल वही है, मेरा टूडू टूल वही है, तो मैंने इतने अच्छे अच्छे नोशन के टेम्पलेट्स खुद के लिए बना के रखे हैं, ओहो सुभान अल्लाह,
पढ़ाने के लिए भी मैं वही टूल यूज करता हूँ, तो बहुत प्यारे प्यारे चीजें कर लेता हूँ मैं उससे। इवन वेब पेजेस अगर मुझे होस्ट करने होते हैं तो मैं उसी पे बना लेता हूँ। कई बार मेरे कई एक्सपेरिमेंट्स तो सीधे नोशन पे ही चल गए। इनवैट का पहला कुछ एडमिशन तो नोशन पर ही हो गया था, तो मेरे को नोशन बहुत अच्छा टूल लगता है, बहुत पावरफुल टूल लगता है। आई थिंक वो सीख लेना चाहिए हमें, काफी चीजें हो जाती है उससे। 16th टूल है, अब मुझे नहीं पता कि कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा या किसी के लिए होगा, बट एक टाइम पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, Egghead.io का सब्सक्रिप्शन। अगेन प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप देख लो ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि अगर मुझे कोई भी नई चीज सीखनी होती थी मैं Egghead पे जाता था, और उसके तो छोटे छोटे कुछ कुछ प्यारे प्यारे वीडियोस होते थे, तो मैं तुरंत उसको कंज्यूम कर रहा था, एक घंटे मुझे समझ आता था। लेकिन ये तभी फायदा होता है जब आप उतने एक्सपर्ट हो चुके हो, आप 10 साल 8 साल के डेवलपर हो गए हो, तो फिर आप कुछ कुछ उसमें चीजें समझ जाते हो, और अगर नहीं हुए हो तो फिर आपको लंबा समय चाहिए। तो शायद अगर आप बिगिनर की तरह देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया आपको। 17 मेरा प्यारा टूल, हमारा अपना गूगल पे। ना मेरे पास पेटीएम है, ना फोन पे है, ना व्हाटएवर है, एक ही है गूगल पे, और ना मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, और ना मैं कैश लेके घूमता हूँ। गजब की जिंदगी है बैंगलोर में, बहुत बढ़िया है। एक फोन यही लेके घूमता हूँ, यही हमारा वॉलेट कहते हैं ना, हाँ बिहारी आदमी, वॉलेट है, और यही हमारा फोन भी है। और कई साल हो गए, आई थिंक 2019 में चिढ़ के मारे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा दिया था। डेबिट कार्ड की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, कैश तो हम निकालते ही नहीं कभी, कभी कैश की बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को 500 रुपया UPI कर देते, बोलते 500 रुपया कैश दे दो, तो हमारे तो उससे बड़ा अच्छा काम चल जाता है। लेकिन ये टूल भी भाई बहुत लाइफ सेवर है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट में डाल दिया। 18 ग्रामरली, देखो भैया इंग्लिश हमारी पहली भाषा है नहीं, जितना हमें बोलने आता है बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लिख भी अपने हिसाब से अच्छा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी त्रुटियां, मिस्टेक्स, गलतियां रह जाती हैं, तो ग्रामरली को हमेशा ऑन रखते हैं, और बहुत सारी गलतियां वो पकड़ लेती है। बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, कहाँ कॉमा डालना है, कहीं नहीं डालना है, ऑक्सफर्ड कॉमा बलान डका, तो वो सब हमारा सब कुछ सही कर देता है। तो मुझे वो टूल बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ऑन रहता है, सब कुछ पढ़ता रहता है, मुझे ईमेल भी भेजता है कि इस वीक आपने इतने सारे नए वर्ड्स यूज किए, मैंने कहा हाँ ठीक है, बट ग्रामरली अच्छा टूल है। 19 अगेन बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे ये टूल, इस टूल के कारण मैं अपनी किताब पब्लिश कर पाया, इस टूल के कारण मैंने कितना सारा कॉन्टेंट बनाया है, पब्लिश किया है, लिखा है, थैंक्स टू वन एंड ओनली Otter.ai। पहले भी बात की इस टूल के बारे में कि यार ये टूल मस्त है यार, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, इंग्लिश में बोलो तो ट्रांसक्राइब कर देता है, फिर वापस से देख के मैं उसे नोट्स बना लेता हूँ, उसी से न्यूज़लेटर निकाल लेता हूँ, उसी से मैं ये कंटेंट भी कभी कभी आइडियाज अपने वहां पे लिस्ट कर लेता हूँ, उसी से मैंने पूरी की पूरी किताब कर ली, क्योंकि मैं वॉक करता था सैटरडे मॉर्निंग को एक लेक के गोल गोल और अपनी किताब बोलते जाता था, और बोलते बोलते पूरी प्रोडक्टिव प्रोफेशनल की एक बुक मैंने लिख डाली। तो यार मुझे तो Otter.ai बहुत प्यारी टूल है। 20वां टूल जो बहुत पसंद है वो है वन टैप। यार क्या होता है ना, अभी जब आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, आप टीचर भी हो, आप सोशल मीडिया पे भी काम करते हो, आप इंजीनियर भी हो, आप बाहर टॉक देने भी जा रहे हो, आप रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रहे हो, आप अपनी बुक भी लिख रहे हो, तो क्या होता है आपके ब्राउजर में जब आप रिसर्च करने किसी एक चीज के लिए घुसते हो तो कॉन्टेक्स्ट बहुत चेंज होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है तो अलग अलग टैब्स खुल जाते हैं। तो वन टैप क्या करता है कि जब मैं एक चीज पे काम करता हूँ उसके सारे टैप खोल देता हूँ, और जब उसको बंद करता हूँ तो सारे टैप वैसे ही वैसे के कॉन्टेक्स्ट सेव कर देता हूँ, फिर नई चीज पे काम करता हूँ। तो मेरे को ना कुछ लोग होते हैं ना जो 40-50 टैब्स खोल के रखते हैं, मुझे तो भैया बहुत मतलब उल्टी ऐसा लगता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई 40 टैब खोल के रखा हुआ है, इतने टैब्स उसके दिख रहे हैं, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं वन टैब को यूज करता हूँ कि भाई एक टाइम पे एक चीज पे काम किया, समेटा, दूसरी चीज को खोला, दूसरी चीज पे काम किया, बहुत क्लीन रहता है। और अब आते हैं 21वां फेवरेट टूल मेरा जो आज के समय में बहुत यूजफुल हो गया है, वो है ChatGPT। तने भैया ChatGPT के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपने कहा था ChatGPT प्रोग्रामर की जॉब नहीं लेगी, मैं कहां कह रहा हूं कि मेरी जॉब ले रहे हैं, मैं तो हमेशा कहूं कि एक अच्छा हेल्पफुल प्यारा टूल है, उसको आप यूज कर सकते हो। मैं कई बार टेस्ट लिखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ऐसे भी आइडियाज डिस्कस करने के लिए, कौन सा लाइब्रेरी यूज करें ये डिस्कस करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए यूज करता हूँ, तो मेरी ChatGPT के साथ अच्छी पटती है। हम और ChatGPT अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तो ChatGPT के साथ बहुत मजा आता है, कुछ नया सीखना होता है ना, तो मैंने 2000 वीडियोज बनाए कि कैसे ChatGPT से एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं SQL रिवाइज कर रहा था, ChatGPT को ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो मुझे SQL सिखा पाया बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया मुझे रिवाइज करने में, क्योंकि मुझे नया पढ़ाना था। तो
चैट जीपीटी भी एक बहुत प्यारी अच्छी टूल है अगर आप उसको सही से यूज कर सको। आपको इन 21 टूल्स में सबसे अच्छा क्या लगा, किस पे शायद आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताते जाना, और जाते हो जाने जाना तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करते जाना यार। बहुत मजा आया आपसे बात करके, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा।